नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। कोरोना का कहर रीवा में सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, रीवा में इस समय 250 से 300 पेशेंट कोरोना के लगातार मिल रहे हैं। उसको लेकर यहां पर प्रशासन मुस्तैदी से उन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है जो घर से बाहर बेवजह निकल रहे हैं, घर से बाहर बेवजह। साथ ही इस समय सबसे ज़्यादा प्रकोप उन सब्जी वालों, उन ठेले वालों पर पुलिस का कहर बरप रहा है, जिन्हों के घर में बामुश्किल उन सब्जियों को बेचकर दो वक्त की रोजी रोटी का इंतज़ाम होता है। दो वक्त की रोजी रोटी का इंतज़ाम, वह भी सब्जी घर की बेचकर, वह सब्जी जो अगर एक दिन ना बिके तो दूसरे दिन अपने आप ख़राब हो जाती। पुलिस इस समय उनको लेकर काफ़ी सख्त है। पुलिस नहीं चाहती कि कोई भी सब्जी ठेला इस समय सड़क में बेवजह टहलता हुआ दिखाई दे, भले वो अपने घर के बाहर ही ठेला लेके क्यों ना खड़ा हो। पुलिस किसी भी तरीके से उनको रोकथाम करने के लिए संकोच नहीं कर रही है। उसके लिए उसको जो भी तरीके अपनाने पड़े उसको लगता हम अपना सकते हैं। हमें सारी छूट प्रशासन ने दे दी है, हर हालत में हम इन ठेले वालों को घर से नहीं निकलने देंगे। हालांकि दूसरी ओर रसूखदार लोगों को देखते ही ये सारे नियम कानून अपने आप गायब हो जाते हैं। उसको जाके मारने लगे तो हम लोग यहाँ अब अंदर न दूंगी मतारी दूंगी, छोड़ उसको फिर उसकी मतारी कर दूंगी। ये कौन बोले? पुलिस वाले कर रहे हैं। पुलिस वाला बोल रहा था, महिला पुलिस कर्मी थी कि देखो इसके जान में जैसे डंडा मारे हैं, ये रे को मारे इस तरह के, बहुत डंडा मारे लड़के को भी मारे इसी तरह के गाली देते तो हमको बुरा नहीं लगता। आप ये बोल दीजिए गाली दे रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं, इसी तरह गाली देते हमको बुरा नहीं लगता। बच्चे को मारते रहे, छुड़ा रहे, बच्चे को तो लाठी मार दी मेरे हाथ। पुलिस कर्मी ने गाली कुत्ता की है, ये पुलिस वाले सिटी कोतवाली टीआई साहब के साथ में मारे इस तरह का, ये लाठी शंकर लाइट हाउस के सामने दरवाजे में ठेला खड़ा था। मना कर दे कि मारे का अधिकार है, मारे का अधिकार थोड़ी है कि लपट लपट में हरियन कमारी मन से रुन कमारी ही खेद खेद के ही सब्जी सब भरी लग जाई है, मेहरियन से लपटी है सब्जी छड़ी है, ये कौन धंधा है उठाए है, यही खिलाने आई है व्यापारी ही, यही तो नहीं सब खेती है मारी है, भीतर सकाई है, भीतर घुसी है, भीतर गाड़ी के हवा निकली है, घुस घुस गई है, रोड में ही आदेश है कि अंदर आदेश है, मारे लगता है। सुबह यहाँ जब लोग सब्जी लेके आए तो यहाँ रीवा चौराहा पीआई और रीवा एसपी जब सीधे हमला बोल दिया गया किसानों के ऊपर, उनको मारे, किसानों की गाड़ी पंचर किए, साइकिल पंचर किए और माँ बहन की गाड़ी भी दिए हैं। क्या ये जो किसान गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं, क्या हमारी माँ बहन रोड में है? ये माँ बहन की गाड़ी देते हैं, लात मारते हैं, शुद्ध गाड़ी देते हैं सभी किसानों को, क्या इसी के लिए है? हमारे रीवा के जो नेता हैं, विधायक हैं, विकास पुरुष हैं, क्या उन्हीं के लिए यहाँ के गरीबों ने वोट दिया है? पुलिस वाले अब अधिकारी नहीं, गरीबों का जी बीमारी का छो दे रहे काहे निकालती है? हम गरीब आदमी सारे निकाल दी, हथियार पांच लाठी मारे बूढ़ा कलेक्टर के बुलाबा मौके आगे कह दे, हम कल नदी फेंक दे सब्जी का सब लूट ली। हम बोले यार छुच्छी को निकाली से, ये साथ छुच्छी निकाले हमारी साइकिल के एसपी साहब, साहब खड़े हैं मुंशी साहब, टीआई साहब, ठीक साहब ही बोल रहे निकालने के लिए, एसपी साहब बोले सबको तनख्वाह मिल रही है, हम लोग क्या करें? ठीक है,
बड़े आदमी सोते परेशान करें गरीब आदमी वो निकाल लिए। किसानों के साथ जिस तरह से गाली गलौज की गई, मारपीट की गई, उनकी सब्जियां फेंकी गई, साइकिलें पंचर की गई, ये बेहद निंदनीय है। और मेरा आरोप है कि जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, प्रभारी मंत्री हैं, स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, इन्होंने सब्जी उत्पादक किसानों के लिए कोई रणनीति तैयार नहीं किया। वो बेचारे सारा पैसा लगा करके सब्जी की खेती किए, आज सब्जी उनकी इस लॉकडाउन में सड़ रही है खेतों में, वो काफ़ी पीड़ित हैं, उनके पास रोजी रोटी का संकट है। और जो अभी विगत दिवस कलेक्टर महोदय ने जो गाइडलाइन बनाया था कि 6 से 7 बजे के बीच सब्जी उत्पादक किसान अपनी सब्जी बेच सकते हैं, उसी के तहत वो आज बेचने आए थे और उसी समय पुलिस पहुंची, एसपी साहब पहुंचे और जो भी तांडव हुआ उससे जो किसानों के वीडियो मेरे पास आए हैं वो बेहद मन को पीड़ा पहुँचाने वाले हैं। और यहाँ का पूरा किसान मांग करता है कि सीएम साहब हमारे लिए कोई नई गाइडलाइन बनाएं जिससे हमारा रोजी रोटी का संकट दूर हो सके, और हमें ऐसा एसपी नहीं चाहिए, आप ऐसे एसपी को वापस बुला लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।